नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीरियल न्यूज़ चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर, जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें इस इन्फॉर्मेशन को पूरा देखे बिना वीडियो को स्टॉप मत कीजिएगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन में आपका फ़ायदा छिपा है। आज आपको बताने वाली हूँ कि बैंक में अकाउंट तो आप सभी का होगा ही, अगर आप सभी का किसी भी बैंक में कहीं भी कभी भी अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि 61 लोगों के PNB खाते से 15 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। और इस तरह के फ्रॉड हर दूसरे बैंक में या हर किसी बैंक में इस तरह के फ्रॉड सुनने में आ रहे हैं कि फलाने व्यक्ति का पैसा गायब हो गया, ऑनलाइन पैसे निकल गए या किसी भी तरीके से पैसे निकाल लिए गए और फिर इंसान माथे पे हाथ धर के रोता रह गया और उसको हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के फ्रॉड आपके साथ ना हो, इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचे ये मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के फ्रॉड होने से पहले ही बचा जा सकता है। सावधान करने के लिए वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं बताने वाली हूँ आपको पूरी डिटेल में पूरी जानकारी। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिलती रहे आपको हर एक वो जानकारी जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो बताऊंगी आज मैं आपको कि PNB के वसंत विहार ब्रांच के 61 खाताधारक धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इनके बैंक खाते से कुल मिलाकर करीब 15 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। इन दिनों ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM से धोखाधड़ी के मामले बढ़ गए हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के वसंत विहार ब्रांच में सामने आया है। PNB के वसंत विहार ब्रांच के 61 खाताधारक धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इनके बैंक खाते से कुल मिलाकर करीब 15 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। PNB ने खाताधारकों की शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज कराया है। बैंक ने फ्रॉड से बचने के लिए कुछ तरीके भी बताए हैं जिससे आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है। मामला क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार PNB के खाताधारकों ने बैंक को बताया कि बिना जानकारी उनके ATM से ट्रांजैक्शन हुआ है। एक के बाद एक खाताधारकों से अवैध ट्रांजैक्शन की शिकायत मिली। उनका कहना है कि डेबिट कार्ड उनके पास होने के बावजूद विभिन्न ATM से पैसे निकाले गए हैं। इसके बाद बैंक ने ग्राहकों की लिस्ट बनाई तो पाया कि 61 लोगों ने अपने खाते से पैसे गंवा दिए हैं। PNB ने अलर्ट किया है, अपने ग्राहकों को सावधान करते हुए अलर्ट जारी किया है। PNB का कहना है कि आपकी जानकारी के बिना स्पाईवेयर आपका प्राइवेट डेटा चोरी कर रहा है। इस चोरी की जानकारी का उपयोग पहचान की चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। बैंक का कहना है कि ग्राहकों को डाटा में फ़ोन कॉल हिस्ट्री, टेस्ट मैसेज, यूज़र का लोकेशन, ब्राउज़र हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल और फोटो शामिल है। बचने के ये 3 तरीके हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन से ऐसे 3 टिप्स हैं जिसे बचा जा सकता है। अपने डिवाइस में ऑटो लॉक इनेबल कर लें, अपने सिम के लिए पिन का इस्तेमाल करें। मोबाइल चोरी पर लोग आपका सिम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अपने मेमोरी कार्ड के लिए पासवर्ड सेट कर लें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, कोई नकली सा नहीं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, इनके जरिए मेलवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है। एंटीवायरस के नकली पॉप अप पर कभी क्लिक ना करें। अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। पायरेटेड ऐप या सॉफ्टवेयर से हमेशा बचें, इनमें मेलवेयर हो सकता है। बैंक खाते से पैसे निकलने पर तुरंत ये काम करना है आपको, कस्टमर केयर को फ़ोन करके कार्ड को ब्लॉक कराएं। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और उसका रेफरेंस नंबर या शिकायत की फ़ोटो लेकर उसे संबंधित बैंक के साथ शेयर करें। समस्या का समाधान नहीं होने पर RBI बैंक के लोकपाल को शिकायत करें। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं उस लोगों से इस जानकारी को, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी इस तरह के किसी फ्रॉड में ना आ पाएँ और उनकी जो बहुत ही मेहनत और खून पसीने की जो कमाई है उस पर कोई भी इस तरह का फ्रॉडी व्यक्ति हाथ साफ ना कर सके। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी इसी वक्त, और लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो आती है, इतनी मेहनत से इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाई जाती है। तो वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी इसी वक्त। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको मिलती रहेगी। कोई खास इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी और वीडियो लेकर आती रहूँगी बी रियल न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।